मैंने कल से लेके आज तक सभापति महोदया सारे विपक्ष के भाषण को सुना। सारे विपक्ष के भाषण में असत्य, गुमराह करने वाले तथ्य, निराशावादी, डर और डर की जो पराकाष्ठा हो सकती है कि डर के आगे कुछ नहीं है, हम कभी जीत नहीं सकते, उस तरह के भाषण को देखा। यहां विपक्ष के नेता ने भाषण दिया, सभापति महोदया मैं वो नहीं हूं जो हूं, जो मैं दिखता हूं वो मैं नहीं हूं। पिछले बार मैंने कहा था कि यहां प्रेत आकर भाषण देके चला गया। इस बार जो मुझे लगा उनके भाषण से कि एक फिल्म हमने देखी थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर जो है किसी को दिखते नहीं है, फिर दिख जाते हैं। यदि लाल जो है कहीं दिखाई देगा तो वो मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर हैं, जो दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं, जो दिखते हैं वो नहीं दिखते। विपक्ष का क्या डर है सभापति महोदया, ये आप समझिए। गॉस्पेल ट्रुथ के आधार पर असत्य को सत्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा विपक्ष जो मुस्लिम की राजनीति करता रहा, आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है। जिस लोकसभा से अवधेश, जिस लोकसभा से अवधेश पासी एमपी है, उसका नाम फैजाबाद है। किसी ने फैजाबाद नहीं कहा, सब ने अयोध्या कहा। यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यही मोदी की जीत है। और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। रामायण की एक चौपाई है कि राम रमापति करधन लेहु, खैचत चाप मिटई संदेहु। उन्होंने पूरे देश को यह मैसेज दे दिया कि यह देश हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, और मुसलमान के नाम पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है। फैजाबाद का नाम अपोजिशन के किसी आदमी ने नहीं लिया। क्या सत्य है? इन्होंने कहा हमारे ऊपर ईडी आ गई, हमारे ऊपर सीबीआई आ गई, हम किसी से नहीं डरते। आप वहां चले गए, बांसवाड़ा चले गए, आपने क्या भाषण दे दिया, क्या जीत गए? मैं एक ऐसा शख्स हूं, अखिलेश जी सुनिए आराम से, मेरे ऊपर कांग्रेस और जेएमएम ने 44 केस किए। मेरे 80 साल 85 साल के माँ पिताजी के ऊपर केस हुए। गैलरी में मेरी वाइफ बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर केस हुआ, भाई के ऊपर केस हुआ। और सरकार ने आरटीआई मैंने मंगाया है 10 करोड़ रुपया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरे से केस लड़ने के लिए किया। मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गया, राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे का 2 कार्यक्रम हुआ, प्रियंका गांधी जी गई, उन्होंने कहा कि मैं चैंबर में बैठा रहता हूं, और मैंने कहा कि मैं मोदी का सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और मैंने वचन लिया, प्रण लिया कि मैं जनता के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। 2 मार्च को पार्टी ने मेरा टिकट अनाउंस किया, 2 मार्च को मेरा चुनाव 1 जून को हुआ। 90 दिन के पूरे कैंपेन में मैंने जनता से वोट नहीं मांगा और मैं यहां पार्लियामेंट में जीत कर आया, आपको हरा कर आया हूं। जिस क्षेत्र से हेमंत सोरेन विधायक हैं, उस जिले का मैं सांसद हूं, और आदिवासी बाहुल इलाके से मैं 10,000 वोट से जीत कर आया हूं। मेरा समय है, आप सुनिए, मेरा समय है, 5 मिनट में खत्म नहीं होगा ये बातें। किस तरह का सत्य और असत्य की बात कर रहे हो आप? आप कह रहे हो मुस्लिम की बात कर रहे हो, मंगलसूत्र की बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। 2009 में सभापति महोदया आप मंत्री थी, 2009 से इस संसद में, इस सदन में मैं 200 बार बोल चुका हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं बांग्लादेश, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़ा हुआ है संथाल परगना में, चाहे वो जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहबगंज हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, किशनगंज हो, अररिया हो। और हालत यह है, हमारी स्थिति यह है कि यहाँ विजय हाजदा बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछ रहा था, गोपीचक एक गांव है, गाय काट दिया, और गाय काटने का जब मुसलमानों ने प्रतिरोध किया, अभी 15 दिन पहले पूरे बांग्लादेश वहां से आके बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अपने आप को पश्चिम बंगाल का नागरिक कहते हैं, उन्होंने हमारी बहू बेटी का इज्जत लूटा, उनके घर को जलाया, उनके घर को भगाया। आप कह रहे हो कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, उनकी जनसंख्या नहीं है,
स्पीकर साहब, पूरे देश भर में मैं गोपी चक की बात कर रहा हूँ। सभापति महोदया, सभापति महोदया, सभापति महोदया, पूरे देश में परिसीमन हो गया, पूरे देश में परिसीमन हो गया। आप आदिवासी की बात करते हो, आप पिछड़े की बात करते हो, हमारे यहाँ परिसीमन नहीं हुआ। आदिवासी की संख्या जो 36% थी वो 26% हो गई, ये पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। एक लोकसभा का सीट आदिवासी का और 3 विधानसभा का सीट घट रहा है, परिसीमन नहीं हो गया। घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री घुसपैठिए की बात नहीं करेंगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? मैं आपको बताऊं, सभापति महोदय, शिव की बात होती है, हम उस विचारधारा के लोग हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको कुछ समझ में नहीं आती, यदि आपको शिव का ही दिखाना था, गुरु नानक का दिखाना था, तो मंदिर चले जाते यार, गुरुद्वारा चले जाते, इस पार्लियामेंट में फोटो क्यों दिखा रहे? चले जाते ना। और जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, मैं ब्राह्मीण हूं और मुझे गर्व है कि ब्राह्मीण हूं। जिस अभय मुद्रा की बात करते हो, भगवान शंकर को 4 हाथ है, 4 हाथ है, 1 हाथ नहीं होता है। और हस्त मुद्रा में ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है, 28 मुद्राएं हैं। और 28 मुद्रा क्या है जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं, ये सबको जानने की आवश्यकता है। एक मुद्रा वो है जिसके हाथ में डमरू बजा हुआ है। डमरू मतलब स्टार्ट करिए, प्रकृति को स्टार्ट करिए, जीवन को स्टार्ट करिए, गरीबों के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। दूसरे हाथ में क्या है? डिस्ट्रॉय करना, अग्नि है भगवान शिव के हाथ में। वो ये कहता है कि चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल हो, जो भ्रष्टाचारी है, जिसने जनता का पैसा लूटा है, उसको जेल भेजिए। तीसरा हाथ है जो ये कहता है कि जनता को खाना खिलाइए। और चौथा हाथ है कि कभी भी विकसित भारत के लिए, भविष्य के लिए, इंसॉल्वेशन के लिए, ये भगवान शिव हैं। आपको यदि धर्म नहीं पता है यार, कहां से धर्म के बारे में पता करोगे? त्रिशूल जो है भूत, भविष्य और वर्तमान की व्याख्या करता है, इसीलिए वो त्रिशूल है। और हमारे प्रधानमंत्री भूत, भविष्य और वर्तमान को देखकर विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। सभापति महोदया, ये संविधान की बात करती हैं। अभी मैंने कहा मिसा जी, मैं आपके बारे में बोला, उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगी। मिसा भारती जब पैदा हुई तो जेल में थी, मेरे गुरु गोविंदाचार्य उस वक्त वो भी जेल में थे, राम बहादुर राय भी जेल में थे, और लालू जी को राम बहादुर राय ने सजेस्ट किया कि अपनी बेटी का नाम मिसा रख दो, इसीलिए उनका नाम मिसा भारती। जिस किताब का विमोचन राहुल गांधी ने किया, एमके स्टालिन की आत्मकथा का, उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है सभापति महोदया, पता है? कि इमरजेंसी में जो है मेरे पिताजी ने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। और यहां बैठे हुए हैं अखिलेश यादव जी, इनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भाषण सुनता हूं। उन्होंने मुझे इमरजेंसी की कहानी सुनाई कि जिस दिन इमरजेंसी गए तो उनकी वाइफ के पास जो है खाना खिलाने के लिए अपने परिवार के पास नहीं था। आप संविधान की बात करते हो, आपने कहा राज्य डिवीजन कर लिया, आपको पता है कि क्या हुआ? 7वां संशोधन 1956 में जब नेहरू ने किया तो उन्होंने कहा संविधान की आत्मा, आपने भी नरेंद्र मोदी कहा, इसलिए मैं नेहरू कह रहा हूं। सभापति महोदया, 7वां संशोधन ये किया कि राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा अपना बाउंड्री चुनने का, और यही कारण है कि 7वें संशोधन के बाद 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए। आप संविधान की बात करते हो, आप कहते हो संविधान बचाने की बात करते हो, संविधान की प्रस्तावना स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद, जब इमरजेंसी में सारे बड़े नेता, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, करुणानिधि जी हो, अडवाणी जी हो, अटल जी हो, हेमवती नंदन बहुगुणा हो, कांग्रेस के चंद्रशेखर जी हो, बाबू जगजीवन राम हो, जब सारे जयप्रकाश नारायण, नहीं मैं एमपी की बात कर रहा हूं,
ये सारे लोग जब जेल में बंद थे तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई 1976 में, 42वां संशोधन हुआ। उस 42वें संशोधन ने हमारे धर्म परायण देश को, हम धार्मिक हैं, हम हिंदू हैं, बिट्टू यहाँ बैठा हुआ सिख है, बुद्धिस्ट हैं, रिजू जी उन्होंने कहा कि हम बुद्धिस्ट हैं, यहाँ ओबीसी बैठे हुए, इस्लाम उनके लिए गर्व का विषय है। आपने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कर दिया, रातों रात बदल दिया, आपने उसमें इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया। पूरा देश जो है ईमानदार है, इसी कारण ईमानदारी से चलता है, आपने ईमानदार जोड़ दिया और आपने उसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया। अरे कैसे सोशलिस्ट हो सकते हैं हम यार, कोई कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, तुमने जो है सोशलिस्ट पूरे प्रेम्बल को बदल दिया। और आप संविधान बनाने की बात करते हो, उन्होंने कहा कि जो हम कानून बनाएंगे, जो फंडामेंटल राइट हुए थे, जो हमने फंडा, हमारे फोर फादर्स ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे, उसके साथ आपने फंडामेंटल ड्यूटीज एक अलग शब्द जोड़ दिया। आप संविधान बनाने की बात करते हो, पूरा का पूरा 42वां संशोधन, उन्होंने कहा कि जो संविधान कानून बनाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी, उन्होंने कहा कि हम फिर से रिइंस्टेट होकर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। लोकसभा के जो समय है, समय सीमा 5 साल, उन्होंने कहा अब 6 साल होगा। खाता न वही इंदिरा गांधी जो कहे सही, संविधान वही है। अरे संविधान बचाने वाले यदि मोदी ने, तो मोदी ने संविधान बदला, 370 के लिए बदला, शेड्यूल कास्ट के लिए बदला, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बदला। और जब भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की बात होगी, हम संविधान बदलेंगे और हमको कोई संकोच नहीं। सवाल यह है, ये आर्य और अनार्य की बात करते हैं, ऋषि मुनि की बात करते हैं, राजा, राजा साहब आप हमारे मित्र हो, मैं एक ऐसा आदमी था जो तिहाड़ में आपसे मिलने के लिए गया, कांग्रेस ने आपको जेल भेजा। आपको पता है कि गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि, ये कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। रामायण महाभारत गीता लिखने वाले कोई भी ब्राह्मण नहीं थे, कोई भगवान ब्राह्मण नहीं है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखा, चारों वेद और 13 उपनिषद सभी वेद व्यास ने लिखे जो मछुआरे के बेटे थे, और चाहे वो ऋषि अगस्त हो, ऋषि कन्नन हो, आप जो है आर्य और अनार्य के बीच में, और आप ही के सांसद, कांग्रेस के सांसद 1952 में, जिस कांग्रेस के सांसद रामधारी सिंह दिनकर को नेहरू जी सांसद बनाकर लेकर आए, सांसद रहे 12 साल रहे, देश के बहुत बड़े कवि, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। उस संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने लिखा कि ना कोई आर्य है ना कोई अनार्य है, जो हरिजन, जो शेड्यूल कास्ट तमिलनाडु का है वही कलकत्ता का ब्राह्मण है, और जो कलकत्ता का ओबीसी है वही पंजाब का जो है सिख है। ये उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने लिखा, आपके सांसद ने लिखा। हमें तो गर्व है, ये देश एक है, न जाति है न बिरादरी है। आप किस तरह की बात करते हो, जाति प्रथा की बात करते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां जितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए, स्वागत राय दी बैठे होंगे, आज से 50 साल पहले किसी के किसी बड़े घर में, किसी गांव में कहीं कोई शौचालय नहीं होता था। चाहे बड़े परिवार की महिलाएं हो या छोटे परिवार की महिलाएं हो, वो खेत में जाती थी। तो जब खेत में जाती थी तो मेहतर प्रथा कहां से आ गया, जो मुगलों ने दिया आप उसको सही मान रहे हो, और आप पूरे देश को जो है हिंदुत्व के नाम पर, आर्य के नाम पर, अनार्य के नाम पर, इस्लाम के नाम पर केवल गुमराह करने की कोशिश करते हो। ये गॉस्पेल ट्रूथ को बंद करो, ये काना बंद करो, और देश को जो है साथ लेकर चलने की बात करो। बस बस, मैं अंत में सभापति महोदय एक पॉइंट है कि कल कहा गया कि स्पीकर साहब जो है झुक के प्रधानमंत्री जी को जो है अभिवादन किए और राहुल जी को ऐसे। आज मैंने एक फोटो देखा थल सेना अध्यक्ष का, वर्दी में कहा जाता है कि किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आज सारे अखबारों में थल सेना अध्यक्ष का फोटो छपा है और वो अपनी मां को पैर छू के वर्दी में प्रणाम कर रहा है। तैत्रीय उपनिषद का एक श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धा पसेबिना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आपसे जो भी बड़े आदमी हैं, पद की मर्यादा की कभी परवाह नहीं करिए,
अभी पार्लियामेंट खत्म हुआ, मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, जिस दिन पार्लियामेंट खत्म हुआ मैं बाहर गाड़ी का वेट कर रहा था। मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस पर अटैक करता हूं, राहुल जी, सोनिया जी या पूरा कांग्रेस, गांधी परिवार मेरा टॉपिक है, क्योंकि मेरे फादर 1975 में इमरजेंसी में सैक कर दिए गए, उनकी जिंदगी में नौकरी नहीं लगी। 19 महीने मेरे परिवार के लोग इमरजेंसी में बंद रहे, इसलिए कांग्रेस के प्रति इतना विद्रोह या ये चीज जो है मेरे मन में है बचपन से है, क्योंकि मेरा बचपन मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग सभी देशद्रोही के परिवार के माने जाते थे। सोनिया जी आई, सोनिया जी ने मेरा हाथ पकड़ा सबके सामने, क्योंकि सबके सामने पब्लिक में एक काम हुआ इसलिए मैं पब्लिक में बात कर रहा हूं, और उन्होंने मुझे कहा कि निशिकांत आज मेरी तबीयत खराब थी लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को पार्लियामेंट आना चाहिए। मैंने प्रणाम किया उनको, मैंने ये नहीं सोचा कि वो सोनिया गांधी वो बड़ी हैं। आप किस तरह के डिस्कोर्स में ले जाना चाहते हो? माननीय मोदी जी हमारे पार्टी के बड़े आदमी हैं, पार्टी टिकट दी तो ओम बिरला जो है इस कुर्सी पर बैठे, यदि उनको पैर छू के भी प्रणाम कर लेते ओम बिरला जी तो उस कुर्सी की ताकत कम नहीं होती। आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं पता है, और यदि भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में नहीं पता है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। आज आप 98 में हो, अगले चुनाव में आपको जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी मौका नहीं मिलेगा। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। फ्रांसिस जॉर्ज, फ्रांसिस जॉर्ज, रूल, विल यू प्लीज कोट द रूल? 352. Name was taken of our leader, और कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उनको बरी किया गया, और उसके बाद उनको भ्रष्टाचारी यहाँ पे कहा जा रहा है, तो इट शुड बी एक्सपंज्ड। कोर्ट द्वारा बेल मिला है, नेम विल बी, और उनपे आरोप सीधे तौर पे बोला गया है कि आरोप उनपे तय नहीं होता, इट विल बी डिलीटेड, मिस्टर फ्रांसिस नहीं बनता है, और ये उनको भ्रष्टाचारी कर रहे हैं जबकि कोर्ट से उनको जो है बेल मिला, एक्सपंज करना होगा मैडम। यस इट इज डिलीटेड। थैंक यू मैम। सर व्हेन आवर कंट्री